पर इस बीच आ रही है। पंचकुला वार्ड नंबर 6 में नतीजे जो है, वार्ड नंबर 6 के नतीजे वो घोषित हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज बाल्मीकि जीते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत यहां पर हुई है। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, 568 वोटों से उन्होंने जीत यहां पर दर्ज करवाई है। और पवन सिवर संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, वार्ड 6 के नतीजों की आप बात यहां पर बता रहे हैं, फिलहाल कोई ताजा अपडेट भी आपके पास यहां पर आया है? लगातार इंतजार 10वें राउंड का है कि कब 10वें राउंड के नतीजे जो है वो मेयर पद के जो नतीजे हैं वो बाहर आएंगे, उसके बाद देखना होगा। यहाँ पर बीजेपी जो 9 राउंड में 2917 वोट की बढ़त बनाए हुए थी, वो 10वें राउंड में बढ़त कितनी आगे जाती है या वो बढ़त कांग्रेस तोड़ पाती है, ये इंतजार नतीजों में रहेगा। 10वें राउंड के नतीजे अभी आना बाकी है और कभी भी 10वें राउंड के नतीजे आ सकते हैं। और इसके साथ ही दो जो यहाँ पर वार्ड है उनके नतीजे आ चुके हैं, दोनों ही वार्ड में एक जगह पर बीजेपी और एक जगह पर कांग्रेस, यानी एक-एक पार्षद जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ पर चुने जा चुके हैं। नरेंद्र लुबाना वार्ड नंबर 1 से 49 वोट से चुनाव जीते हैं, नरेंद्र लुबाना बीजेपी से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जबकि वार्ड नंबर 6 से पंकज बाल्मीकि जो है वो कांग्रेस से पार्षद पद के उम्मीदवार थे, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। उनका जो वोट का मार्जिन है वो 568 बताया जा रहा है, 568 वोट से पंकज बाल्मीकि वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आभार। वार्ड 1 से अगर बीजेपी के पार्षद जीते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वार्ड 6 से कांग्रेस उम्मीदवार जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। और